उसका भी कराने जा रहा है, वो है आपका कॉन्फ़िगर लोकल स्टोरेज, यानी कि जो सैन वाली फंक्शनैलिटी है वो आप अपने सर्वर में कैसे यूज़ कर सकते हो। देखो नॉर्मली जो सैन स्टोरेज है वो तो आता है कॉस्टली, ये आपको बता देते हैं कि सैन की फंक्शनैलिटी क्या होती है। आपके आईपी सैन स्टोरेज है, ठीक है, ये तो नेस वाला है, ये सारे नेस वाले हैं। इसमें भी आजकल क्या हो गया है, मिक्स कर दिया है, कॉस्ट कटिंग करने के लिए जो नेस है उसके अंदर ही iscsi फंक्शन दे दिया, यानी कि वो सैन की तरह काम करते हैं, अब थोड़ा सा चेंज हो गया ना। लगी होती है मल्टीपल इस तरह की, तो डिवाइस आपको देखने को मिलेगी, ये आपके सैन स्टोरेज है, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, अलग अलग आपको हार्ड ड्राइव्स की कैपेसिटी मिलती है, किसी में 100 हार्ड ड्राइव लग रही होती है, किसी में 200 होती है, वो कैपेसिटी टू कैपेसिटी अलग अलग होते हैं, ठीक है। हाँ, इसमें कॉन्फ़िगरेशन करना पड़ता है, तो इस तरह का आपको मिलेगा। आप यहाँ से किसी, ये कंसोल होता है, किसी कंसोल में आप ऐड करके बूट करके उसका डिस्प्ले देख सकते हो आप। अब इसमें जो हार्ड ड्राइव्स लगी होती हैं वो इस तरह से आप क्या है प्लग इन कर सकते हो और निकाल सकते हो, इस तरह की हार्ड ड्राइव होती है। तो इसमें देखो ये बटन होता है, तो आप क्या करोगे, पुश करके ये बाहर आ जाएगी, पुश करके ये अंदर चला जाएगा, तो ये नहीं प्लग इन प्ले होता है ये। अब ये आपकी जो स्टोरेज होती है पूरी, इसके अंदर क्या है, ऑप्टिकल कनेक्टर कनेक्ट होते हैं, सैन स्विच आपको दिखाते हैं, इस तरह के सैन स्विच से कनेक्टेड होंगे। ये केबल होती है, ये फाइबर पैच होते हैं, ये देखो, ये आप देख रहे हो, ये आपका फैब्रिक है, ये स्विच है, सिर्फ कहते हैं फैब्रिक स्विच को, जो सैन का स्विच होता है फैब्रिक कहते हैं। ये आपका देखो, ये सैन का स्विच है, इसमें आप देख रहे हो ये ऑप्टिकल, ये देखो सर्वर में, सर्वर से वायर आएगा, इनमें कनेक्ट होगा, ये देखो ये स्विच, ये सर्वर से आएंगे, स्विच में ला के लग जाएगा। तो इसमें आपके पास जो कनेक्टर यूज़ होते हैं, इस तरह के कनेक्टर यूज़ होते हैं आपके, SC कनेक्टर हैं, MTRJ हैं, अलग अलग टाइप के होते हैं, ये आपको दिखाते हैं थोड़ा सा। ये आपका सैन बॉक्स है, अभी थोड़ा साफ नहीं हुआ है, ये सैन बॉक्स से जो वायर जाएंगी, ठीक है, ये देखो ये सैन से वायर गई, ये कहाँ लग गई, FC के अंदर, FC स्विच में गई, ये देखो FC स्विच से आपके जो है वायर्स ये कॉरपोरेट नेटवर्क को कनेक्ट करती हैं आपकी। तो इसमें क्या होते हैं, पीछे कार्ड लगे होते हैं जिन्हें कहते हैं HBA कार्ड, इस सर्वर के अंदर, ये देखो ये आपका सैन हो गया, ये आपके सर्वर हो गए, ठीक है, हाँ ये आपके सर्वर होंगे, ये सर्वर से जो कनेक्टेड होंगे वाया इसके थ्रू होंगे, ठीक है, FC स्विच के थ्रू, और यहाँ से क्या है कॉर्पोरेट नेटवर्क को कनेक्ट करेंगे और ये यहाँ से ओवर द मैन ट्रांसमिट हो जाएगी, ठीक है। ये दोनों अलग अलग लोकेशन पे कनेक्ट हो सकते हैं, ठीक है। सर्वर में HBA कार्ड लगे होंगे, HBA कार्ड से ये आपके फाइबर कनेक्टर क्या हो जाएंगे, कनेक्ट हो जाएंगे। तो सर्वर में आपको क्या है HBA कार्ड लगाना पड़ेगा, आपको दिखाते हैं HBA कार्ड कैसा होता है।
स्टार्ट होता है। इसमें देखो आपको कम से कम यहाँ पे देखो दो पोर्ट मिलते हैं, ये देखो ये पोर्ट जीरो है, ये पोर्ट वन है, और हर पोर्ट में दो दो यहाँ पे क्या है कनेक्टर्स लगे होते हैं। तो इसमें क्या है कि आपके पास जो केबल होती है ऑप्टिकल फाइबर वो होती है सिंगल मोड फाइबर। तो सिंगल मोड फाइबर में क्या है एक साइड से ट्रांसमिट होगा और दूसरी साइड से रिसीव होगा, तो एक केबल ट्रांसमिट करेगी एक केबल रिसीव करेगी। तो ये हो गई आपकी ट्रांसमिट साइड, ये रिसीविंग साइड, इसलिए दो कनेक्टर यहाँ पे दिए। तो ये दो पोर्ट इसलिए दिए हैं आप दो को यहाँ से मल्टीपल लगा सको, यानी कि रिडंडेंसी के लिए अगर आपके ये वाला पोर्ट फेल हो जाता है तो इससे आप डेटा एक्सेस कर सकते, उसमें आपके दो पोर्ट इस तरह से बने बने होते हैं, ठीक है, ये रिडंडेंसी के लिए। इस तरह के कार्ड आपके पास होते हैं, ठीक है। तो सैन के अंदर तो इस तरह के पोर्ट डिफॉल्ट होते हैं, लेकिन सर्वर में आपको ये HBA कार्ड लगाना पड़ता है। तो HBA के अंदर देखो बेसिकली क्या होता है, iscsi देखो ये आपके यही वाले कार्ड जो है ये आपके यूज में आते हैं। चाहे तो आप देखो वाले 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 कार्ड ले लीजिए HBA कार्ड, या फिर आप iscsi के नाम से ये कार्ड आते हैं ये आप यूज कर सकते, ठीक है। दोनों में एक ही फंक्शनैलिटी है, दोनों एक ही तरह की काम करते हैं। अब क्या होता है इस तरह के जो iscsi कार्ड होते हैं इसमें क्या होते हैं, जब आप इसे इंस्टॉल करोगे तो उसके अंदर iscsi प्रोटोकॉल ड्राइवर इंस्टॉल हो जाएगा अपने आप, इसके अंदर क्या हो जाएगा iscsi प्रोटोकॉल ड्राइवर इंस्टॉल हो जाएगा। तो ऑटोमेटिकली क्या है ये सर्वर से कनेक्ट हो जाएंगे और आप क्या करोगे सर्वर को इससे एक्सेस करोगे, ठीक है ना। अब क्या होता है कि जो स्टोरेज है आपने स्टोरेज में कोई भी मल्टीपल ड्राइव्स हैं उन ड्राइव्स को मिला के एक लॉजिकल ड्राइव बनाया जाएगा, तो उसमें भी पूल बनाना पड़ता है। पूल बनाने के बाद अलग अलग आपको वहाँ पे क्या बनाने पड़ते हैं हार्ड ड्राइव्स बनाने पड़ते हैं, जिन्हें हम कहते हैं लन, जिन्हें क्या कहते हैं लन, लॉजिकल यूनिट नंबर। अब वहाँ पे लन बनाने के बाद आप उसको असाइन करोगे जहाँ पे स्टोरेज की रिक्वायरमेंट है। जो आप मान के चलते हैं आपके सर्वर पे 2 TB की एक ड्राइव की रिक्वायरमेंट है, तो आप 2 TB का एक लन बनाओगे और वो लन असाइन करोगे स्पेसिफिक सर्वर को, ठीक है। तो उसके लिए क्या होगा जब आप असाइन करोगे तो आपको एक IQN नंबर जनरेट करेगा, उसके लिए आपको क्या जनरेट करेगा IQN नंबर। IQN नंबर जो होता है इंटरनेट क्वालिफाइड नेम होता है, इस तरह का नंबर जनरेट होगा, देखो iscsi सर्वर का यहाँ पे आपने IP डाला, ये रिमोट पोर्ट है। जब आप कनेक्ट करोगे तो इस तरह का आपको नंबर यहाँ पे ये पूरा ये नेम दिखाई देगा IQN नेम, ये देखो ये यूनिक नेम होगा उस सर्वर के लिए होगा, उसी सर्वर पे ये हार्ड ड्राइव अटैच हो जाएगी, ठीक है ना। और जो HBA कार्ड के थ्रू एक्सेस होगी, ध्यान रखना जो किसके थ्रू होगी HBA कार्ड के थ्रू एक्सेस होगी। ये देखो ये स्टोरेज की स्क्रीन है जहाँ से आपने IQN जनरेट किया, ये कमांड होती है ये HBA बनाने के लिए, ये आपको IQN बनाने के लिए असाइन किया हुआ है। देखो यहाँ पर एडेप्टर, ये देखो इस तरह की आपकी IQN नंबर जनरेट होता है, ये स्टोरेज पे करना पड़ता है, ठीक है। अब यही चीज़ आपकी सर्वर 2012 के अंदर है, ये तो कमांड मोड के थ्रू होता है। अगर आप जो सैन पे बैठ गए, अगर आप तो सैन के कंसोल पे बैठ के आप वहाँ पे लन बनाओगे, ठीक है ना। वहाँ से बनाना थोड़ा मुश्किल होगा क्योंकि उसके लिए आपको लिनक्स की कमांड आनी चाहिए, उसमें लिनक्स की कमांड चलती है सारी, ठीक है ना। अब यही चीज़ फंक्शनैलिटी आप सर्वर 2012 में कर सकते हो। इसमें आपके पास क्या है लॉजिकल ड्राइव बनेगी, वर्चुअल ड्राइव बनेगी, IQN नंबर ऑटोमेटिक जनरेट हो जाएगा, आपको इसमें लन बनाने की कोई ज़रूरत नहीं। तो वही फंक्शनैलिटी यहाँ सर्वर में आप कैसे यूज़ करोगे वो चीज़ मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ। देख मेरे पास ये सर्वर है, ये देखिए ये एक सर्वर है। अब इस सर्वर को स्टोरेज सर्वर बना दूँगा, ठीक है, और दूसरे सर्वर में इस स्टोरेज की ड्राइव को माउंट करके दिखा दूँगा।
तो उसके लिए देखिए क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले हम जाएंगे एक सर्वर ले लिया हमने, ठीक है, इसको स्टोरेज बना देंगे, यानी कि इसमें ड्राइव क्रिएट करेंगे, लन क्रिएट करेंगे। ये लन किसी न किसी जगह किसी दूसरी सर्वर में मैं आपको अटैच करके दिखाऊंगा। तो ये रिमोटली अटैच हो गया हार्ड ड्राइव। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, iscsi फीचर ऐड करना पड़ेगा। तो जहाँ पे आप iscsi स्टोरेज बना रहे हो वहाँ पे iscsi टारगेट सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम इंस्टॉल करने जा रहे हैं iscsi सॉफ्टवेयर टारगेट। तो देखो एड रोल्स में जाएंगे, नेक्स्ट करेंगे, हाँ सर इसमें सर्विस है, वो फीचर तो देखो लैंड कार्ड के अंदर होता है, HP के अंदर iscsi कार्ड के अंदर, लेकिन यहाँ पे क्या है सॉफ्टवेयर की तरह इंस्टॉल कर रहे हैं यूज करने के लिए, ठीक है। ये हमारे सर्वर का IP आ गया, नेक्स्ट कर रहे हैं। अब देखो यहाँ पे ऑप्शन आएगा फाइल एंड स्टोरेज, इसको एक्सपेंड कर लेना। एक्सपेंड करने के बाद आएगा फाइल एंड iscsi सर्विस, इसके अंदर आपको मिलेगा iscsi टारगेट और iscsi टारगेट प्रोवाइडर स्टोरेज प्रोवाइडर, इन दोनों को आपको क्या करना पड़ेगा, लेना पड़ेगा। ये दोनों जब आप ले लोगे तो ये सर्वर क्या बन जाएगा, सैन सर्वर बन जाएगा, फिर इस पर आप लन क्रिएट कर सकते हो। तो ये देखो आपने ये ले लिए iscsi टारगेट प्रोटोकॉल और इनको इंस्टॉल कर लिए, ये आपके इंस्टॉल हो जाएंगे। इंस्टॉल होते ये सर्वर क्या बन जाएगा, सैन सर्वर बन जाएगा, फिर इसके अंदर हम वर्चुअल ड्राइव बनाएंगे और उनको यूज़ करेंगे, ठीक है। तब ये इंस्टॉल होने जा रहा है, जब तक ये इंस्टॉल हो रहा है तब तक एक और मशीन हम वहाँ पे बना लेते हैं, दूसरी मशीन। ये मेरे पास VM2 है, इसको यूज़ कर लेंगे कनेक्ट, हाँ क्योंकि सैन तो पार्शली आता है तो इसलिए हम इसको यूज़ कर रहे हैं।
अब जैसे ये ड्राइव बनेगी इसका आईक्यून जनरेट हो जाएगा ऑटोमेटिक, इसमें आपको झंझट नहीं है। ये देखो आईक्यून बन गया, आईक्यून बन गया, आप टच करेंगे वहाँ पे, ठीक है। यहाँ से तो मैंने लाइन बना के छोड़ दिया, बता दिया भाई उसको ड्राइव ये देनी है। ये देखो ये VM1 है ना, सर्वर बन है। डायरेक्ट आके अटैच हो जाएगी ना, उसका कुछ भी करो आप। अरे हाँ वो एक सिंगल वो है ना, सिंगल ड्राइव है ना। हाँ कुछ भी करो उसका आप, आपको आपको कुछ भी करना है उसको कुछ भी कर सकते हो। अब ये VM2 पे आ गया, ये VM2 है हमारी। इसमें अटैच करनी है तो देखो यहाँ पे iscsi लिखो, जैसे iscsi लिखोगे यहाँ पे इनिशिएटर प्रोटोकॉल दिख जाएगा। iscsi इनिशिएटर पे क्लिक करेंगे और ये फर्स्ट टाइम ये क्या हो जाएगा, इंस्टॉल हो जाएगा। ये देखो ये आ गया iscsi इनिशिएटर यहाँ पे। अब ये कह रहा है कि टारगेट टारगेट हो गया हमारा स्टोरेज सर्वर, उसका आईपी डाल देंगे यहाँ पे। 51 था ना उसका आईपी, क्विक कनेक्ट। ये देखो कनेक्ट हो गया IQN, उसी IQN से उसी डिस्क से ये सक्सीड हो गया। डिस्क जीरो थी ना वो। अब आ जाएंगे वॉल्यूम्स एंड डिवाइसेस, यहाँ पे ऑटो कॉन्फ़िगर ऑप्शन आ रहा है, इस पर क्लिक कर देंगे। यहाँ पे ये माउंट कर देगा हार्ड ड्राइव को, जो वर्चुअल ड्राइव, इसको ओके कर देते हैं। हमारी हार्ड ड्राइव अटैच हो चुकी है, यहाँ पे देखने के लिए डिस्क मैनेजमेंट में जाएंगे, डिस्क मैनेजमेंट ऑप्शन में जाएंगे। ये देखो 2 GB की ड्राइव यहाँ पे लग चुकी है रिमोटली, ऑनलाइन करेंगे इसे इनिशियलाइज करेंगे। ये सैन से आई है 2 GB हार्ड ड्राइव, अब इसको पार्टीशन बना लीजिए आप। ये देखो बन गया पार्टीशन आपका, यूज करो इसे हार्ड ड्राइव। ये 2 GB की हार्ड ड्राइव, ई ड्राइव आपकी बन चुकी है, अब आप इसमें काम कर सकते हैं। ये देखो ये आ गई ना आप, इसमें आप काम करेंगे जो भी डाटा रहेगा। हाँ वो सैन पे जाता रहेगा, सैन पे जाता रहेगा, वहीं सेम होगा ना। तो हमने जहाँ हमने सैन बनाई है वहाँ हमारे पास एक से ज़्यादा डिस्क ऐड करने को होते हैं, एक से ज़्यादा डिस्क ऐड करने, फिर हम यहाँ पे आके उसे कॉन्फ़िगर कर सकते हैं, चाहे एक बनो वो बता रहे हो। अभी दिखाते हैं आपको दूसरी हार्ड ड्राइव कैसे लगाएंगे। ये आपने लगा दी हार्ड ड्राइव, ठीक है। अब एक और आपको चाहिए, अब आप कह रहे हो कि यार एक से काम नहीं चल रहा मेरा, ठीक है। अब सर्वर वन पे आ जाते हैं फिर से। ये रे ये सैन वाले सर्वर पे आ गए हमने, जहाँ पे हार्ड ड्राइव बनाई थी। अब आपका एक से काम नहीं चल रहा है, कोई बात नहीं, फिर से जाइए, इसे बड़ा कर लेते। अब यहाँ पे आप फिर से जाइए न्यू iscsi डिस्क, नेक्स्ट करेंगे डिस्क वन, एक और बना लीजिए। ये 3 GB की बना लेते हैं, चलो देखो ऑटोमेटिक यहाँ पे एग्जिस्टिंग iscsi टारगेट आ गया, ठीक है। अगर किसी और को देना है सर्वर को तो फिर से यार टारगेट सिलेक्ट कर लोगे। हाँ अब ये ऑटोमेटिक वहाँ पे जाके लग जाएगी, ये आ गई बन गई, ये यहाँ पे इनिशियलाइज होती है। देखो आ गया ना कनेक्टेड, ये लग चुकी है वहाँ जाके। कितने कितने बना सकते हैं? हाँ हाँ कितने ही बना लो। अब हम दूसरे सर्वर पे आ रहे हैं, सर्वर टू। अब यहाँ पे आप जाएंगे फिर से अपने डिस्क मैनेजमेंट में जाएंगे, दिख रही है नहीं दिखी ना अभी। पहले कहाँ जाएंगे? iscsi टारगेट के अंदर इनिशिएटर में जाएंगे और फिर से यहाँ पे क्या करेंगे,
आईपी एड्रेस डाल देंगे। ठीक है,